हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है सरफेस टेंशन की बहुत ही इजी वाली एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको बस चाहिए खाली एक कैपिलरी, दो बीकर, एक बीकर के अंदर पानी भरा हुआ होना चाहिए और एक बीकर के अंदर होना चाहिए मतलब कोई डिटर्जेंट या फिर यूरिया या फिर कोई सोप सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिटर्जेंट जैसी चीज़ ऐड कर दी है, ऑलमोस्ट डिटर्जेंट ही है वो, इसको सब मान सकते हैं आप। तो हमें देखना है कि इफेक्ट क्या होता है डिटर्जेंट ऐड करने का सरफेस टेंशन पे। तो बेसिकली सरफेस टेंशन अगर घटेगा तो कैपिलरी के अंदर जो पानी है ना वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं चढ़ेगा, और अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो कैपिलरी में पानी ज़्यादा ऊंचाई पे होगा। तो हमको यही देखना है कि अगर पानी के अंदर डिटर्जेंट मिलाया गया तब कैपिलरी ज़्यादा ऊपर जाती है कि नहीं जाती है, और जाती भी है तो कितना ऊपर जाती है। तो पहले पानी के अंदर डाल के देखेंगे कैपिलरी। कैपिलरी क्या रहता है, एक ग्लास ट्यूब जैसा रहता है, ग्लास ट्यूब जिसके अंदर एक होल रहता है, बोर रहता है, बोर, इसको बोरिंग बोलते हैं, बोर, ठीक है, बोर, बीवारी बोर। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कैपिलरी है ऐसे लेंगे और इसे पानी के अंदर डालेंगे, और आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि पानी किस लेवल तक ऊंचा जाता है इसके अंदर, वो ध्यान से देखेंगे। सो, क्या आप लोग देख पा रहे हैं कैपिलरी अंदर जा रही है? रुको, यहाँ से थोड़ा साफ साइड जहाँ पे पानी के ज़्यादा बूंदे ना हो वहाँ से मैं इसको डालने की कोशिश करता हूँ। सब लोग ध्यान से देखते रहिए, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। तो कैपिलरी जा रही है अंदर अभी पानी के अंदर, ये देखो, देखो ध्यान से देखो, साइड से देखो, देखो पानी ऊपर आया, आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से। अरे इसे मैं पूरा अंदर छोड़ दे रहा हूँ, ये देखो कैपिलरी में पानी ऊपर आया कि नहीं आया भाई, ये देखो ना ऊपर तक दिखा कि नहीं आपको, कैन यू सी दैट? अरे भाई बहुत ईजीली है, एवरीबडी कैन सी दैट। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, देखो कितना अच्छे से दिख रहा है। तो कितना पानी ऊपर आया पहले इसको हम लोग अभी नाप लेंगे एक स्केल की मदद से, सिंपल सा स्केल लेंगे उसकी मदद से इसको भी नाप लेंगे, ठीक है, कि कितना पानी ऊपर आया है। सो लेट्स डू इट, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा एकदम साफ वाला छोटा सा स्केल, जिसे आप लोग प्यार से कहते हैं फुट पट्टी। तो इसे हम लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं इसके बाजू में, और इसकी हाइट नापते हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसकी हाइट नापने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं अंदर ले आ रहा हूँ, ध्यान से देखिए सभी लोग, देखो इसकी हाइट देखो कितनी है, 1 सेंटीमीटर के आसपास है, देखो ना जीरो है ना, पानी से टच हो गया। कैन यू सी दैट कि जीरो पानी से टच हो गया? अरे भाई ध्यान से देखो, जो जीरो है पानी से बिल्कुल टच हो गया है, ठीक है। और साइड में देखो, इसके इसके साइड में देखो, साइड में कैपिलरी देखो कहाँ तक गया है, कैपिलरी में पानी कहाँ तक गया है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है, 1 सेंटीमीटर। अरे मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा ही हिल रहा है, कहाँ पर है मेरा हाथ? सो अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। चलिए अब है ना इस वाले सोल्यूशन में ट्राई करते हैं, ये वाले सोल्यूशन के अंदर। तो रेशमा जी जरा प्लीज़ आप इसमें हाथ लगाएंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे आप, तो यहाँ से निकाल के इसको थोड़ा सा झटक के, मतलब झटक देना है ताकि पानी पूरा निकल जाए, और झटक के मैंने यहाँ पर इस वाले में डाल दिया। अब आप देख सकते हैं इसमें जो हाइट गई है ना, ये कम हाइट गई है, कैन यू सी दैट? इसमें जो हाइट है वो कम है, ये देखो ध्यान से, ये हाइट 1 सेंटीमीटर से कम है, यानी कि सरफेस टेंशन घट गया। तो इम्प्योरिटी ऐड करने से, डिटर्जेंट ऐड करने से पानी का सरफेस टेंशन घट जाता है, ये यहाँ से साबित हो रहा है। मैं आपको बस खाली दिखा दूँ